वेलकम टू ज्ञान दीक्षा कॉन्सेप्ट बेस्ड डिजिटल लर्निंग। सभी को मेरा प्रणाम। प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक है ना? घर पर रहो, सुरक्षित रहो। सभी को मेरा आशीर्वाद। मेरा नाम विश्वनाथ सरिता, TGT हिंदी, तेलंगाना समाज कल्याण आवासीय पाठशाला नरमेट्टा जनगाम के अध्यापिका हूँ। मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ। एक घर में लड़की की जन्म होने से लड़की के पिता गीत गाते हैं। तुझे फूल कहू या क्यारी, तू मन मधुबन फुलवारी। तुझे फूल कहू या क्यारी, तू मन मधुबन फुलवारी। मेरा मन वृंदावन झूमे जब गूंज उठी किलकारी। तू माँ की निर्मल छाया, तू बाप की राज दुलारी। जिस घर में तू आ जाए वह घर जन्नत से प्यारी। जिस घर में तू आ जाए वह घर जन्नत से प्यारी। और एक गीत सुनो, तेलंगाना राज्य में प्रमुख त्योहार के समय गाते हैं। बतुकम्म बतुकम्म वियालो, बंगारु गोरम्म वियालो। बतुकम्म बतुकम्म वियालो, बंगारु गोरम्म वियालो। इस प्रकार के गीत को लोकगीत कहते हैं। लोकगीत, आज हम 10वीं कक्षा का 5वां पाठ लोकगीत के बारे में जानेंगे। लोकगीत माने लोक में प्रचलित, लोगों के द्वारा रचित एवं लोगों के लिए गाए गीतों को लोकगीत कहते हैं। इस पाठ का लेखक भगवत चरण उपाध्याय। पाठ का उन्मुखीकरण। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरे लाली। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरे लाली। कह सकिया अब कलिया, हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरे लाली। हाथों में क्या रचने वाली है? हाथों में मेहंदी रचने वाली है। इस तरह के गीतों को क्या कहा जाता है? इस तरह के गीतों को लोकगीत कहा जाता है। किन किन संदर्भों में लोकगीत गाए जाते हैं? पर्व, उत्सव, विवाह, मुंडन आदि संदर्भों में लोकगीत गाए जाते हैं। इस पाठ का उद्देश्य है निबंध विधा से परिचित कराते हुए निबंध लिखने की प्रेरणा देना, लोकगीत लिखने के लिए प्रेरित कराना इस पाठ का उद्देश्य है। विधा विशेष। लोकगीत निबंध पाठ है। निबंध का अर्थ है बांधना, सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा भावों की प्रस्तुति ही निबंध है। इस पाठ का लेखक भगवत चरण उपाध्याय। भगवत चरण उपाध्याय हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार है। इसका जन्म सन 1910 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। इसका मृत्यु अगस्त सन 1982 में हुआ। इनकी भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है। इन्होंने कहानी, कविता, रिपोर्टाज, निबंध और बाल साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। विश्व साहित्य की रूपरेखा कालिदास का भारत, टूंटा आम, गंगा गोदावरी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की, अनेक बार विदेश भ्रमण किए। इनकी रचनाओं में भावात्मक, विवेचनात्मक, वर्णनात्मक शैलियों का दर्शन होते हैं। लेखक की अतिरिक्त जानकारी। विशेष पुरातत्व और इतिहास के महान विद्वान
कार्य क्षेत्र इतिहास एवं पुरातत्व का अध्ययन क्षेत्र। रचनाएं साहित्य और कला, विश्व साहित्य की रूपरेखा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने पश्चात इन्होंने काशी हिंदी विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास में एमए किया। यह संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के ज्ञानी थे। इन्होंने पुरातत्व एवं प्राचीन भाषाओं में गहन अध्ययन के साथ साथ आधुनिक यूरोपीय भाषाओं का भी अध्ययन करते हुए हिंदी साहित्य को उन्नति के पथ पर अग्रसर कराने में अपना विशिष्ट योगदान दिया। विषय प्रवेश। हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। गीत संगीत के बिना हमारा मन रस से नीरस हो जाता है। प्रस्तुत निबंध में भारतीय लोकगीत का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। क्या आप कभी लोकगीत सुने हैं या गाए हैं, या फिर कभी किसी इस तरह के कार्यक्रम को होते हुए देखे हैं जहां पर इस तरह के गीत गाए जाते हैं और इस पर नृत्य किया जाता है? जरूर आपने देखा होगा, क्योंकि आपके घरों में, आपके गांवों में किसी शादी हुई हो या किसी भी तरह का दावत या रस्म हुआ हो तो उसमें गाने गाते हैं। जो अपने परंपरा के गीत है, सदियों से चले आ रहे हैं, वही तो है हमारे लोकगीत, यानी हमारे लोक संस्कृति का भिन्न हिस्सा, जो सदियों से चली आ रहा है, अभी सदियों तक चलता है। इसमें कोई नई चीज जुड़ेंगे, शायद बहुत पुरानी चीजें छूट भी जाएंगे। संस्कृति जब तक खत्म नहीं हो सकती, जब तक ही हमारा समाज, हमारी समाज की संस्कृति प्रति जो प्रेम है, जो बढ़कर आती है, जिसने हमारे मन को अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम खत्म हो जाएगा, उस दिन शायद हो सकता है कि यह लोकगीत खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी जगह लोक संगीत है जो वहाँ की संस्कृति है, उस जगह की असली पहचान होती है। देखिए बच्चों, हम भारतीय हैं, हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान भारतीय संस्कृति है। अलग अलग क्षेत्रों का संगीत वह क्षेत्र का लोकगीत कहा जाता है। इसी तरह से ये लोकगीत है जो सदियों से चले आ रहे हैं, जो हमारी संस्कृति को एकता के सूत्र में बांधने का काम करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस विषयों के बारे में। इतिहास, प्रकार, विषय, राग, भाषा, विशेषताएं। सबसे पहले हम जानेंगे इस लोकगीत के इतिहास के बारे में, यानी ये कैसे शुरू हुए, कब से शुरू हुए, कहाँ से शुरू हुए, किसने लिखा, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। इसे कोई भी नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि ये गाने जो है पीढ़ी पीढ़ी से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोग सीखते हैं और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को सिखाते हैं, इसलिए पता ही नहीं इसे लिखा किसने। उसके बाद इस लोकगीत की
शास्त्रीय संगीत से थोड़ी सी तुलना की गई, यानी यह लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और अपनी सुंदरता, लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। यह बहुत आसान होते हैं। इसे बोलने के लिए, गाने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं होती। जैसे शास्त्रीय संगीत गाते हैं, वे कितने वर्षों तक संगीत सीखते हैं, उसके बाद जाकर कई अभ्यास करते हैं, तब वे गीतों को ठीक तरीके से गाते हैं। लेकिन लोक गीतों के साथ ऐसा नहीं है। आप गाने वाले लोगों के बीच बैठ जाइए, सुनते रहे, गाते रहे और तालियां बजाते रहे, बस आपको गीत गाने का अभ्यास हो जाएगा। पहले तो बच्चों मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे। देखिए इधर, हमारे समाज में टीवी नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, ये सब चीजें नहीं थे। इसलिए लोग अपने मनोरंजन कैसे करते थे? इस गानों के माध्यम से करते थे। किसी भी शुभ अवसर पर, जैसे शादी हो, बच्चे होने का हो या किसी की जन्मदिन के अवसर पर, लोग इकट्ठा होकर मस्त होकर गाने गाते थे, अपने मन के भावों को प्रकट करते थे। गानों के लिए किसी भी शास्त्रीय संगीत की तरह प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। उसके बाद इनकी भाषा जो है बहुत सरल है दोस्तों। इन गानों को गाने के लिए जिस वाद्य यंत्रों को प्रयोग किया जाता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। वह क्या है? झांझ, डमरू, करतार, डोला आदि। इस सारे वाद्य यंत्रों के सहायक से लोक गीत गाते हैं। ये सभी वाद्य यंत्र क्या है? हमारे लोक संस्कृति के पहचान है। लोगों को समझ आया कि लोकगीत जो है कि सारे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का, सारे समाज में एकता लाने का प्रयास करता है। लेकिन धीरे धीरे लोकगीतों को भूल रहे हैं। इस आधुनिक युग में मॉडर्न कल्चर का आ रहा है, तो इस लोकगीतों का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे जैसे समाज में उन्नति हुई, वैसे वैसे लोगों ने इन गीतों को समझा और इनकी संरक्षण के लिए काम करना आरंभ किया। आजकल लोकगीत बहुत प्रकाशित हो रहा है। लोगों ने जिनमें लुप्त हो रही इन लोकगीतों को इकट्ठा करके गा रहे हैं। यह काम क्यों किया गया है? कि आने वाली पीढ़ी को इन लोकगीतों के बारे में इनकी जानकारी मिल सके। लोकगीतों के प्रकार, लोकगीत कई प्रकार के हैं। आदिवासी लोकगीत, देहाती गीत, बंगाली गीत, पंजाबी गीत, राजस्थानी गीत, ब्रज प्रदेश गीत, बुंदेलखंड की गीत। आदिवासी गीत जो है कि पूरे भारतवर्ष के आदिवासी लोगों के समुदाय के द्वारा गाए जाते हैं। इन गीतों में प्रमुखता क्या होती है कि इन गीतों को ये लोग दलों में गाते हैं, बड़े बड़े लोगों की झुंड बनकर गाते हैं, उन्मुक्त होकर, खुले दिलों से मन मस्त होकर गाते हैं। औरतों की झुंड अलग होती है, कई बार पुरुषों का अलग झुंड होता है और
दोनों इन गीतों के द्वारा सवाल जवाब करते हुए भी गाते हैं। ये गीत मुख्यतः भारत में मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, बील, संताल आदि जगह गाए जाते हैं। उसके बाद हम आएंगे पहाड़ी गीतों में। पहाड़ियों के गीतों से दिशाएं गूंज उठती और इनकी गानों की अपने अपने गाने की विधियां है। इन विभिन्न होते हुए भी इन गीतों का नाम पहाड़ी गीत पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत तो गांवों और देहातों में पाए जाते हैं। इस गीतों में देहाती लोगों की जान होती है। चैता, कजरी, बारामास आदि की लोकगीत मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश में गाए जाते हैं। बंगाल में बाहुल और बतियाली, पंजाब में माहिया, हीरा रांझा, सोहानी, महिवाल संबंधी गीत। राजस्थान में डोला मारू लोकगीत बड़े चाव से गाए जाते हैं। हर एक मौसम के ऊपर गाते हैं। इसके बाद हम आते हैं गुजरात गीतों में। गुजराती गाने हम सबको पता है। नवरात्रि के समय गुजराती के समुदाय लोग क्या करते हैं? रात भर माँ अम्बे की गीत को गाते हैं। हर गाने के लिए वाद्य यंत्रों के जगह अपने हाथों से तालियां बजा बजा कर गाते हैं। इसी तरह से कई बार डंडों की मदद से गीत गाते हैं। यानी गुजराती लोक गीतों की प्रमुखता डांडिया और गरबा। उसके बाद आते हैं ब्रज प्रदेश के गीतों के ऊपर। ब्रज प्रदेश यानी कन्हैया जी का प्रदेश है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ रसिया और होली की गीत गाते हैं, जिनमें स्त्रियां और पुरुष लोग भी गाते हैं। होली के समय ये गीत स्त्रियां अधिक गाते हैं। इनका विषय रसिका प्रेमी और प्रियाओं तथा परदेशी प्रेमी पर आधारित होता है। इनके करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों में भी दल गीत विरह आदि पर गाए जाते हैं। लोक गीतों की भाषा ग्रामीण होने के कारण बड़ी आह्लादकर और आनंददायक होती है। यही इनकी सफलता का कारण भी है। भोजपुर में विदेशिया लोकगीत समूह में गाते हुए गाँव में घूमते हैं। बिहार में विदेशिया बहुत लोकप्रिय है। बुंदेलखंड में हाल हा के गीत गाए जाते हैं। इनका आरंभ चंदेल राजाओं के राजकवि जगनी द्वारा रचित आल्हा होदल की वीरता के महाकाव्य से माना जाता है। देखो बच्चों, लोकगीत कल्पना पर आधारित ना होकर देहाती जीवन के रोजमर्रा के विषय पर आधारित होते हैं। ये सीधे दिल को छू लेते हैं। इनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन आदि है। देहात में कहरवा, बिरहा, दोबिया आदि राग गाए जाते हैं। हर क्षेत्र के अपने अपने लोकगीत होते हैं। उनकी रचना वहाँ के ग्रामीण लोग करते हैं। जिस तरह मिथिला क्षेत्र में मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत लोकप्रिय है।
हमारे यहाँ लोकगीत ऐसे हैं जिन्हें स्त्रियों के खास गीत कहा जा सकता है। स्त्रियाँ नहाने जाते समय रास्ते के गीत, नदियों में नहाते समय गीत, त्योहारों और विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, बटकोर जोनार के संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली, जन्म आदि के गीत स्त्रियों के गीत है। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाते हैं, दल बांध कर गाते हैं, एक साथ फूरते हैं। यद्यपि अधिकतर उनके स्वरों में मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले गाते हैं। गांवों और नगरों में गायिका भी होती है जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती है। इसी से उनकी जीविका चलती है। इनके द्वारा विभिन्न प्रांतों के लोगों के रहन सहन, आचार व्यवहार, रीति रिवाज आदि हमें मालूम होते हैं। देखिए यहाँ कैसे हैं वो लोग। लोग भी त्योहार और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। इसलिए कहा गया कि भारतीय संस्कृति लोकगीतों में झलकती है। लोकगीत और संगीत में अंतर। लोकगीत शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है? लोकगीत लोकगीत शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। शास्त्रीय संगीत लोकगीत से भिन्न है। लोकगीत जनता का संगीत है, लेकिन शास्त्रीय संगीत भी लोकप्रिय है। इसके लिए साधना की जरूरत नहीं है, लेकिन संगीत के लिए साधना की जरूरत है। यह साधारण जनता का संगीत है, लेकिन शास्त्रीय संगीत साधारण जनता का संगीत नहीं है। लोकगीत के लिए वाद्य यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन शास्त्रीय संगीत के लिए वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है। उसी तरह आपको लोकगीतों की विशेषता क्या है, आपको प्रश्न भी आ सकता है। देखिए लोकगीतों की विशेषता है, लोकगीतों को सुनने से ही हमें अपने मिट्टी से जुड़ाव का अनुभव होता है। लोकगीत हमें गाँव के जीवन से परिचित करवाते हैं। इनके साथ बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र अत्यंत सरल होते हैं। इन गीतों से मन में उत्साह और उमंग का संचार होता है। इन गीतों को गाने के लिए किसी विशेष ज्ञानी की आवश्यकता नहीं होती। ये सरल और सहज गीत है। इनके रचनाकार स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। भारत के लोकगीत और नृत्य। राज्य लोकगीत, लोकगीत और नृत्य। बिहार, बिहार में कजरी, विदेशिया, चैता, सावन लोकगीत है। जट जटिन नृत्य है। पंजाब में माहिया, पंजाब में माहिया लोकगीत है। झूमर गिद्दा नृत्य है। बुंदेलखंड में हाल्ला लोकगीत है, मोनिया नृत्य है। गुजरात में माहिया लोकगीत है, गरबा नृत्य है। पहाड़ी इलाकों के राज्य में पहाड़ी गीत लोकगीत है, समूह से नृत्य है। बंगाल में बाहुल बतियाली
लोकगीत है, चाहो नृत्य है। उत्तर प्रदेश में चैता, कजरी, विरहा, बारामासा लोकगीत है, चरकुल नृत्य है। बच्चों देखिए ये प्रश्न, हर वर्ष बार बार आने वाले चार अंकों के प्रश्न हैं। आप ध्यान से पढ़कर अच्छी तरह लिखने से आपको चार अंक मिलेंगे। पहला प्रश्न, कवि भगवत शरण उपाध्याय का परिचय अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा प्रश्न, लोकगीतों को आज मनोरंजन का साधन कैसे बनाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न, लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हैं। चौथा प्रश्न, लोकगीत और संगीत का क्या संबंध है। पांचवा प्रश्न, लोकगीत किसके प्रतीक है। छठवा प्रश्न, हिंदी या अपनी मातृभाषा का एक लोकगीत लिखिए। ये सात अंकों के प्रश्न है। आप लोग विस्तार से लिखने से सात अंक मिलेंगे। पहला प्रश्न, लोकगीतों की क्या विशेषता होती है। दूसरा प्रश्न, लोक का संबंध विशेषता इन कथन का विश्लेषण कीजिए। तीसरा प्रश्न, लोकगीतों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। चौथा प्रश्न, मनोरंजन की दुनिया में लोकगीत का महत्वपूर्ण स्थान है, साबित कीजिए। पांचवा प्रश्न, लोकगीत भारत में हर अवसर पर गाए जाते हैं, उदाहरण देते हुए लिखिए। छठवा प्रश्न, लोकगीत और संगीत में क्या अंतर है, अपने शब्दों में बताइए। ये प्रश्नों को आप लोग बार बार अभ्यास करने से आप आसानी से परीक्षा में लिख सकते हैं। आज हम आएंगे भाषा की बात के ऊपर। भाषा की बात में शब्द अर्थ, लोच लचीलापन, भिन्न अलग, साधना रियाज, हे कम आंकना, उपेक्षा प्रधानता ना देना, दल समूह। पर्यायवाची शब्द, पहला देखिए त्योहार पर्व उत्सव, दूसरा देहात गांव ग्राम खेड़ा, तीसरा साधना अभ्यास सिद्ध। देखो विलोम शब्द, शास्त्रीय अशास्त्रीय, भिन्न अभिन्न, साधारण असाधारण, हेय श्रेष्ठ, सजीव निर्जीव। लिंग बदलना, गायक गायिका, कवि कवयित्री, लेखक लेखिका। एक प्रत्यय जोड़कर लिखिए, धर्म प्लस एक धार्मिक, मास प्लस एक मासिक, दिन प्लस एक दैनिक, साव प्लस एक औत्साहिक। देखो बच्चों, आज जो भी ये पाठ हम लोग पढ़े हैं, आपको समझ में हुआ ना जो क्या क्या है हम पढ़े हैं। हाँ, लोकगीत के बारे में और लोकगीतों के प्रकारों के बारे में, और लोकगीत के और कहाँ वो लोकगीतों को हम लोग कहाँ कहाँ गाए जाते हैं उसके बारे में, और वो लोकगीतों से जो जीविका मिलती है ना वो लोगों को बोलने से, उसके बारे में आप लोग जानकारी लिए हैं ना। और उसी तरह वो लोकगीतों का भाषा की बात के बारे में भी आप लोग जाने हैं ना। आपसे आप लोग क्या करते हैं, लोकगीतों को गाते रहो और सुनते रहो। अब से आप लोग क्या करते हैं, इन लोकगीतों को इकट्ठा करके जमा करके गाते रहो और संगीत को
सुनते रहो। बस आज इस पाठ को हम लोग समाप्त करेंगे। धन्यवाद।